सलमान खुर्शीद के विवादित बोल सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की। अयोध्या फैसले पर सलमान खुर्शीद ने की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ, हिंदुत्व की राजनीति को बताया खतरनाक। दिग्विजय सिंह का बीजेपी नेता आडवाणी पर निशाना, कहा आडवाणी ने राम जन्मभूमि को बनाया था मुद्दा, जहां भी रथ यात्रा लेकर गए वहां नफरत फैलाई। अयोध्या के फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसीलिए सही क्योंकि इसे दोनों पक्षों ने स्वीकारा, इसीलिए नहीं कि ये फैसला सही था। आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मेलन। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कई समझौतों पर करार संभव। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का बयान, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, आज सोनिया गांधी से मिलेंगे गहलोत। दिल्ली में राजस्थान को लेकर मंथन, राहुल गांधी की आवाज पर सीएम गहलोत, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और अजय माकन के बीच बैठक। बारिश से बेहाल हुआ तमिलनाडु, कई इलाकों में जमा बारिश का पानी, आज फिर चेन्नई समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका। अफगानिस्तान के मुद्दे पर 8 देशों के एनएसए की दिल्ली में हुई बैठक, अफगानिस्तान की वर्तमान हालात पर जताई गई चिंता। अफगानिस्तान पर डोभाल ने बनाया दिल्ली प्लान, पीएम मोदी ने भी की 7 देशों के एनएसए से मुलाकात। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, सांसदों को मिलने वाले स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड को फिर किया बहाल, इस साल हर सांसद को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की आवाज पर हाई लेवल टी पार्टी का आयोजन, राज्यों के गवर्नर और एलजी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, हमले में 2 नागरिक जख्मी। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर से हड़कंप, बदमाशों ने जूनियर रेसलर निशा और भाई की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की। जूनियर रेसलर की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कुश्ती एकेडमी में लगाई आग, ग्रामीणों ने एकेडमी में जमकर की तोड़फोड़। मुंबई ड्रग्स केस और वानखेड़े मामले में आज प्रभाकर सहेल से फिर एनसीबी करेगी पूछताछ, प्रभाकर सहेल का बयान किया गया रिकॉर्ड। आज नवाब मलिक के खिलाफ कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं बीजेपी नेता हैदर आजम, नवाब मलिक के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने जी मीडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा प्रभाकर से पूछताछ के बाद जांच को एक दिशा मिल गई है। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि आज किरण गोसावी से जेल में जाकर पूछताछ करेंगे, मामले में कई और लोगों के दर्ज किए जाएंगे बयान। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के पुतले जलाए। समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, 12 नवम्बर तक हलफनामा दे नवाब मलिक। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, कई कार्यक्रमों में सीएम लेंगे हिस्सा। आज योगी सरकार करेगी टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित, मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव का दौरा, कश्यप सम्मेलन में करेंगे शिरकत, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के मुरादाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन की रैली, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गोरखपुर में मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है डेंगू का कहर, पीलीभीत में डेंगू के अब तक 162 मामले तो वहीं मलेरिया के भी 42 मामले सामने आए। ओपी राजभर का जागा जिन्ना प्रेम, दिया विवादित बयान, कहा जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा। यूपी के चित्रकूट में महिला के साथ गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा। कृष्ण की नगरी में सीएम योगी कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए, श्री कृष्ण जन्म स्थान में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी का मथुरा दौरा, ब्रजरज उत्सव और हुनर हाट का किया शुभारंभ, ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को बताया प्रतिबद्ध। बरेली में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बनाए जा सकते हैं 2 और पुलिस कमिश्नरेट, डीजीपी मुख्यालय ने 4 पुलिस कमिश्नरेटों से मांगी है रिपोर्ट। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, 4G तकनीक वाले मीटर्स को पावर कॉर्पोरेशन ने दी हरी झंडी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2022 चुनाव को लेकर आगरा में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के अमरोहा में बीजेपी के दलित सम्मेलन का आयोजन, बेबी रानी मौर्य ने किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। डबल मर्डर से दहला यूपी का झांसी, कहा सुनी के विवाद में दिन दहाड़े 2 भाइयों का मर्डर, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 2 युवकों की पिटाई, बाद में भीड़ ने आरोपियों को पुलिस को सौंपा। यूपी के बुलंदशहर में 2 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से आरोपी को फांसी की सजा, हत्या के बाद तालाब में फेंका था शव।
यूपी के मिर्जापुर में रहस्यमय बीमारी का कहर, एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत, इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पेशी के दौरान एक शातिर कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर हुआ फरार। मिशन 2022 को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, पौड़ी गढ़वाल में आपकी रोजगार सभा का हुआ आयोजन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज, अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ता के घर खाया खाना, सबका साथ सबका विश्वास का दिया नारा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, आंदोलनकारियों और शहीदों को किया नमन, रोजगार मेले का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में इगास पर्व पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस ने की सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग, गांवों में जाकर इगास पर्व मनाने पर दिया जोर। नैनीताल हाईकोर्ट से यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद डीपी यादव को बड़ी राहत, कोई ठोस सबूत न मिलने से कोर्ट ने किया बरी, विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने का था। देहरादून में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सिद्धबली मंदिर में किए दर्शन, रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए युवाओं को जोड़ने का अभियान चला रही पार्टी। यूपी के नोएडा में हाईटेक चोरों का आतंक, लग्जरी गाड़ी को ले उड़े चोर, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर आज बैठक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मजाबिया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 138 नए मामले सामने आए हैं, श्रीनगर फिर कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने की। देशभर में दिखी महापर्व छठ की रौनक, आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ हुआ महापर्व का समापन। दो दिवसीय खटी मां दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, आज करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। हरियाणा में अगले साल से छठ पूजा के लिए घाट बनाने की योजना, छठ महापर्व पर एक दिन के लिए अवकाश का भी सीएम ने किया ऐलान। इंदौर के आवेश खान और वेंकटेश अय्यर ने बढ़ाया एमपी का मान, न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुआ चयन। अग्निकांड में शिवराज सरकार की बड़ी कार्रवाई, गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अधीक्षक और अस्पताल संचालक हटाए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान, नाराज किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। सीएम बघेल का केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना, कहा केंद्र के पास अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ाने का फॉर्मूला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, घर से मिला 50 लाख की कीमत का हुक्के का सामान, 1000 पाइप और 150 किलो फ्लेवर भी जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई पीसीसी की बैठक, नगरीय निकाय चुनाव और महंगाई पर केंद्र को घेरने को लेकर बनी रणनीति, सीएम बघेल पीएल पुनिया भी रहे शामिल। झीरम कांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बना सकती है नया आयोग, सीएम भूपेश बघेल ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों के बहाने बीजेपी पर कमलनाथ का हमला, कहा दमोह रेगांव हमने जीता, पृथ्वीपुर जोबट आपने लूटा। मध्य प्रदेश की सत्ता में सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, नशे में अश्लील बातें करते कैमरे में कैद हुआ शख्स। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली की तबियत बिगड़ी, आरबीएम अस्पताल की आईसीयू में भर्ती, सीएम ने फोन कर जाना हालचाल। राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों ने छोड़ा है काम, पंचायत सहायक हड़ताल में हुए शामिल, नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियां हुई तेज, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुई मैच आयोजन समिति की बैठक। पंजाब में विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का दामन, सिद्धू और चन्नी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ, बठिंडा देहाती से विधायक है रुपिंदर कौर। पंजाब के गुरुहर सहाय से अकाली दल उम्मीदवार बरदेव सिंह नोनी मान पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे बरदेव से। सुखबीर बादल ने कांग्रेस विधायक परविंदर पिंकी पर लगाया हमले का आरोप, सीएम चन्नी से की आपराधिक केस दर्ज कराने की। हरियाणा में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू, मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार, फतेहाबाद, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत, हिसार और खैतल में सबसे ज्यादा केस। हरियाणा के हिसार के हांसी में आवारा पशुओं का आतंक, एक महिला को रौंदा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। देश के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के वार्ड की संख्या बढ़ाई गई, वार्ड की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 की गई। तालिबानी सरकार के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा शुरू, पाकिस्तान ने कहा आर्थिक संकट पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के ट्राइका प्लस सम्मेलन में शामिल होगा चीन, भारत की एनएसए बैठक में शामिल होने से किया था इनकार। रूस में कोरोना से एक दिन में 1,239 लोगों की हुई मौत, यूरोपीय देशों में फिर पैर पसारने लगी है महामारी। पेशावर आर्मी स्कूल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए इमरान खान, कहा पाक में कानून का शासन कोई दूर का धुला नहीं। इस्लामिक स्टेट पर तालिबान का कहर, 3 महीने में तालिबान इस्लामिक स्टेट के 600 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। लगातार तीसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 167 रन का दिया था लक्ष्य, सलामी बल्लेबाज
डेरिल मिचेल ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। सेमीफाइनल से पहले बड़ी पाकिस्तान की चिंता, शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान को फ्लू, प्रैक्टिस में नहीं लिया हिस्सा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर कोरोना का साया, इस्तांबुल में अगले महीने से शुरू होने वाली प्रतियोगिता को किया गया स्थगित। कल पीएम मोदी लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आसान होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना। महंगाई पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा अर्थव्यवस्था सही राह पर लेकिन महंगाई अभी भी उच्चतम स्तर पर कायम। ग्लोबल वार्मिंग कम करने की पहल, फोर्ड मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों का ऐलान, कहा 2040 से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं बनाएंगे। ईपीएफओ ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम की डबल, ईपीएफओ ने रकम 4,20,000 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा 2 से 3 साल में दिखेगा बदला हुआ भारत, अमेरिका यूरोप की टक्कर का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पेंशनर्स के लिए एसबीआई की नई सुविधा, अगर एसबीआई में है आपका पेंशन खाता तो वीडियो कॉल से जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। रफतेही ने साड़ी में मस्त डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, नोरा के डांस ने उड़ाए लोगों के। विद्या बालन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में विद्या दिलकश अदाओं का जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे। रवि दुबे ने सरगुन मेहता के साथ रोमांटिक अंदाज में बिखेरा जलवा, रवि और सरगुन की जोड़ी का प्यार भरा अंदाज फैंस को आ रहा है। उर्वशी रौतेला का मेकअप वीडियो आया सामने, वीडियो में उर्वशी खूबसूरत मेकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। मोनालिसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में मोनालिसा बिंदास डांस करते हुए आ रही है नजर। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने धाकर डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया टेरेंस का डांस कमाल। फोन से खेल रही थी बच्ची, तभी बंदर ने आकर छीन लिया फोन, बंदर को भी फोन देखने में आया मजा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की मैराथन में दौड़ती दिखी बतख, वीडियो देखकर लोगों के चेहरों पर आई उसका। बाइक का इस्तेमाल कर शख्स ने सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ाया झूला, लोगों ने कहा वाह क्या गजब का जुगाड़ है। शख्स ने की बाइक पर स्टंट करने की कोशिश लेकिन स्टंट हुआ बुरी तरह फेल, सड़क पर शख्स गिरा धड़ाम, वीडियो पर। एक छोटे से बच्चे ने जबरदस्त अंदाज में की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, लोगों ने कहा ऐसे कोई सीखे, मेहनत किसे कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। और चलिए सबसे पहले बात आज की पहली बड़ी खबर की कर लेते हैं, हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का एक बार फिर से ओछापन सामने आया। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और इसी के साथ आईएसआईएस से भी की है। दूसरी बड़ी खबर क्या, यह भी आप जान लीजिए, एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों का जिन्ना प्रेम सामने आ रहा है, अखिलेश यादव के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवादित बयान दिया है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है, यूपी के सियासी मिशन की भी आज हम बात करेंगे। आज सीएम योगी मेरठ का दौरा करेंगे और टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे। उधर अखिलेश यादव की मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली पर भी हमारी नजर रहेगी, तो मुरादाबाद में शाम 6 बजे ओवैसी भी रैली करेंगे और साथ ही यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथी बड़ी खबर, सियासी संग्राम बन चुके मुंबई ड्रग्स केस में अब हाइड्रोजन बम वर्सेस न्यूक्लियर बम की लड़ाई छिड़ गई है। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता हैदर आजम पर जमकर हमला किया तो इस लड़ाई में हैदर आजम भी कूद पड़े और कहा कि नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम का नाम लेकर सिर्फ छुरछुरी ही जलाई और मैं 5 दिन बाद न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा। वहीं आज प्रभाकर सेन से एनसीबी केंद्रीय टीम पूछताछ भी करेगी, तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी।